गाइस आप लोगों को पूछता हूँ, सच सच बताना क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। चाचा हमारे देख लो पूरा ऊपर से नीचे तक, चाचा हमको बोलते हैं मेरी उम्र जो बता रहे, तुम लोगों को कितनी उम्र लग रही होगी चाचा की? जीपे तो हो जाएगा लेकिन मैं वहां पहुंचा ना तो स्कैन किया तो स्कैन ही नहीं हो रहा है। पैसा तो मोबाइल में बहुत है, स्कैन ही नहीं हो रहा है। और स्कैन नहीं होने के बाद ये क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी नेट बंद कर रहा हूँ चालू कर रहा हूँ, नेट बंद कर रहा हूँ चालू कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देखा अरे बैलेंस ही मेरा रिचार्ज आज खत्म होने वाला था, रिचार्ज ही पूरा खत्म हो गया। अब अंदर सामान है, सामान गिर गया वेलकम हो गया आप लोगों का आसमा शाहनवाज ब्लॉग में। देखिए मेरी आसमा चाय बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, आसमा शाहनवाज ब्लॉग में वेलकम है आपका। चाय बन रही है, चाय बना रहे, अभी नाश्ता कर रहे हैं, फिर काम चालू। आ गए भाई लोग, आ गए भाई लोग, लगता है आत्मा नाश्ता कर लो तुम, मैं गोली उठा रहा हूँ ऊपर से। बेटा वो गोली मेरे को दे देना ऊपर वाली है, कार्टून के पीछे रखी है ना, खाली गोलियाँ दे देना, मंदिर का भर देता। आ जा आ जा, अरे चाचा नहीं आए, मुख्तार भाई आ रहे ना, रखो इधर रखो, पहले हम लोग नाश्ता कर ले। तब तक यहाँ का पानी मार दो तुम लोग, ये दीवार का पूरा, ये दीवार का पानी मार दो। आसमा अंदर जाओ, बाकी की बाल्टी हटा दो, इधर अंदर जाओ, एक बाल्टी रहने दो, बाकी की बाल्टी हटा दो, मैं बोल रहा हूँ सामान हटा दो, वो पानी ड्रम में खाली कर दो सब, एक बाल्टी दे दो, बाकी की बाल्टियाँ दे दो, मैं बाहर रख दूंगा जाली में। वो दो बाल्टी हटा देती हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ तुमको। वालेकुम अस्सलाम, अभी आ रहा है ना, उसको बोलो ना आधे घंटे में आ रहे, अभी नाश्ता करने बैठ रहे फोन जो भी है उसको दे देता हूँ मैं। चलो ठीक है दे देता हूँ, अरे बैठो दे देता हूँ, हम लोग नाश्ता कर लेते, यहाँ का पानी मार दो आप लोग मंगता है तो हल्का। आत्मा आ गए वो लोग, हाँ चलो पटपट वाली डाई, क्योंकि अभी अपने को ये खाली करना है, उन लोग को पानी मारने बोले, बोला जब तक बैठो उधर हम लोग नाश्ता कर लेते, क्योंकि गोनियों में भरो, ऐसा उठा उठा के नहीं रखूंगा मैं, सब चीज़ें गोनियों में भरो, क्या क्या है क्या नहीं है, लाइट वाइट भी दुकान की सब ऐसा सामान रखा है। और उन्होंने बोले भंगार वाले को भी बोल के आया, वो आ रहा भंगार वाला भी। चाय पाओ, चलो कर लेते, मेरे को बहुत काम है। आसमा कुछ बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूंगी कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, तीन लोग आ गए हमारे पे, वहाँ पानी मान रहे हैं वो लोग, कपड़ा वगैरह नाश्ता करते हैं, यहाँ भी पानी मारे वो लोग आकर, फिर हम लोग को वो सामान पैक करके याद करवा रहे हैं। लापरवाही मेरे को नुकसान अनिल भाई का भी नहीं है, ये भाई लोग का भी नहीं है, किसका नहीं है, नुकसान तो फिर हमारा है। अगर जरा भी लापरवाही हुई, सामान खराब हुआ तो नुकसान किसका है? आपका है, आपका है ना, अनिल भाई का है ना आपका है, नुकसान मेरा है, एक तो भाई की नुकसान हो रहा मेरा। जान छोटा छोटा आइटम डालो, हाँ आइटम पटक दे रहो, डालते रहो, टूटने फूटने वाली चीज आराम से रखो बस, मंगता अगरबत्ती अपने पर्स में रख लोगे तो काम आ जाएगी, कभी जरूरत नहीं है ना। लेकिन चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जान जान
ये भाई लोग का सफाई करने दो, फिर मैं उधर अंदर आ जाता हूँ, समझे। हाँ दो, फेंकने वाला डायरेक्ट फेंक दो, खाली हो गया पूरा फेंक दो। धूल मट्टी कितनी है देखो, ये क्या है, पूरा बैग देखो मेरा। पूरे धूल मट्टी तेल का डब्बा ले लेना, भूलना नहीं। दिखा, हाँ उसको, हाँ नहीं रो रहे, उतना भी तेल गिरा ना तो पोछना भारी पड़ जाएगा। तो डब्बा नहीं पब्बा हो गया, लेकिन क्या करेंगे। अभी उठाने लगो एक एक, अभी पहुंचे ना। अच्छा ठीक, उधर पहुंचा गया। अच्छा जमाने के टाइम पे फेंकेंगे सब एक्स्ट्रा का। हम लोग को जमाने के टाइम पे फेंकेंगे, जमाना नहीं है ना, जमाना नहीं है, सब नया बसाना है। वो तो जमाना नहीं है भाई, तू तो फेंको। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रही, फेंकते जाए नीचे, छोड़ो उसको। तुम्हारा पैर के पास रखो। हाँ यही चीज के लिए तो मैं वो खींची थी। भाई तो कोट पास करके लोग करके लो, उधर ही था वो, उधर तो मैंने अकेले ना रखा, लेके लेकर आया वो बाथरूम है, वो उधर ही था, मेरे को मालूम है, लेके देना तुम वहाँ पे। हम लोग उधर ही का है वो, चाचा इसीलिए तो वो बोल रहे थे कि बाहर का साफ करो, हम दोनों ने घसीट के लाए उसको। भर दो सब एक थैली में भर दो, जो है वो बाद में बोला, भर के निकालो। इतना भी उठाने की जरूरत तो नहीं, नीचे का घटित तो पानी अंदर नहीं जाएगा, बोल रहा हूँ इतना। अरे इतना खाली उठाओ, इतना तुम तो पूरा हनुमान को उठा लीजिए। भाई घटना रो किधर पे, घटा घटा नाम लगा हुआ, मैं छोड़ोगा मैं, मेरे फेंकने से जो टूटना है वो टूटेगा। तुम तो ये देखो जरा सा, एक मिनट रखो, ले ले इसको, जाने दो। हाँ सब एक गोली में भरो, हाँ छोटा मोटा सब। चलो चंदा पंदा सब भर देगा।
सब भर दो चचा इसमें, एक बोनी बना के पूरे फेंको। चावल नहीं, चावल नहीं, नहीं भाई चावल किचन पे रख दो, अभी बनाने के लिए चावल ढूंढने पड़ेंगे। गंदा था के गंदा हुआ, तुमको तो मालूम है कि नहीं क्या काम है। वो छतरी रखो, छतरी से मत डालो, बाहर जाएगा प्लास्टिक ये छोटू इधर आ, छतरी उसमें टांग दे, पेंटो काटने वाले हां फेंक दो, खाली इसमें धर दे, रेडी लगेगा। सामान उधर या बेडरूम का भी काम थोड़ा हम चालू होगा। आठ क्लियर है ना, हाँ ठीक है ठीक। क्या बोले भाई? हाँ बना रही बना रही, बोला क्या बना रही। क्या बोले भाई? कबाट का पीटा बहुत है, वो निकाल लेना, ऊपर का निकाल लो ना, आत्मा वो प्लाई निकाल लू, निकलवा लू ना। हो गया, अभी पूरा लाइट संभाल ला है जरा, अगर तोड़ोगे तो उसको बोला इलेक्ट्रिशियन भेज भाई अनिल भाई को। अभी वैसे ही करूंगा भैया, पकड़ के कर लूंगा। क्या हाँ लटकी रहेगी तो चलेगा वो उधर से, नहीं दीवार अगर तोड़ना है तो दीवार तोड़ो तुम भाई। हाँ हाँ अरे वो मुख्तार भाई को क्या बोल रहे, उस दिन तो बोले लास्ट में लगे कला के, बोले सामान हटा ही नहीं क्या। चाचा क्या करेंगे, चाचा क्या बोल रहे थे वो बोल जरा। हाँ क्या करूँ चाचा? हाँ क्या हुआ? वो रूम में बहुत तकलीफ है जरा, वो बहुत बीमार है, उसका सही इलाज करना है। इलाज तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाजार लगा कर रहा हूँ, अब क्या करेंगे इलाज? ना वही वो बहुत ज्यादा बीमार है, जब आए है ना वो 2 महीने से उसका पापड़ी गिरना चालू हो गया है, आज 2 साल से वो ऐसे ही चल रहा है। मारो मारो करो करो, मना कर रहे हम लोग, देख ही रहे साफ सफाई आपका बराबर करता हूँ, हमारे सामने की इबादत, हमको ये बोलता ना कि आपा तुम ये सब एक साफ सफाई रख दो, पहला मेरा चाबी दो और जाओ घूम के आओ, मैं तो 8 दिन अजमेर हो आती,
फिर हमारा काम तो ऐसा अटक गया भाई। देखो देखो ये लाइट का भी उसको अनिल भाई को बोलना पड़ेगा, तो चार दिन बाद हाँ करा रहा हूँ अभी करके देता हूँ तो चार दिन हफ्ता चला जाएगा। वही वो बोर्ड का भी मैंने मैसेज डाला, वो करंट लग रहा है उसमें, सतारा कराड़ सतारा महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है। मराठी माणसा हालत की एकदम बेहालत हो गई है भाई, चेहरा वगैरह एकदम सब खराब हो गया, कपड़े लफाक कैसे भी करके आज का दिन हो जाएगा। अरे मेरे सामान खराब हो रहे, वॉशिंग मशीन सब चीज़, मिक्सर वगैरह कूलर वगैरह सब, और क्या बोलते भाई मुख्तार भाई, हो गई अभी लाइट निकल गई। हाँ मुख्तार भाई, क्या ढक गया? मैं भी रात में सो रहा हूँ, 2 बजे लाइट नहीं रहता, मैं ऐसे भी 5 नहीं उठता हूँ। अच्छा, थकता हूँ तो आपको मालूम है। हाँ लाइट नहीं रहता मतलब, मैं इसको जरा ये बेडरूम को जरा बहुत खूबसूरती से बनाओ, ये बेडरूम को जरा थोड़ा अच्छे से, तो इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं डालूंगा, बड़े बेडरूम में ज़्यादा सामान रखूंगा, उसको थोड़ा इतना पानी मारा, उतना पानी मारेगा, वही ड्रम खाली हो गया। अब पानी कितने दिन मारना है बता देना बराबर से, तो उसको मैं बोलूँगा भाई कलर का काम स्टार्ट करो, अनिल भाई को बोलूँगा बस थोड़ा इसको ज़्यादा तरीके से अच्छे से वो करो एकदम। क्या हुआ आसमा, यहाँ का भी हो गया ना? ना अभी देख लो जरा बाहर राउंड मार के चप्पल पहन के किधर किधर का, इधर भरने बोलो, क्या सीमेंट भरने का था ना इधर, इसमें इसमें वो बोले ना कि उसमें नहीं भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा नहीं। तो चलो देखते, तो इधर जा भरना है वहाँ तो भरो, और जो खड्डे खुड्डे जो दिख रहे वो भी भरवा दो, फिर कलर का होगा तो क्या पता है, देखो इधर एक खड्डा था, चप्पल तुम्हारी उधर ही है ना, चाचा उधर है, चप्पल देखो तुम्हारी इधर होगी। तो गाइस अब फाइनली हो गया है प्लास्टर का काम हमारा, गाइस हो चुका है फाइनली प्लास्टर का काम हमारा, अब सिर्फ इसको कलर बाकी है, ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो हाय गाइस, हाय गाइस कैसे हो, बोलो ऐसा प्लास्टर हो गया है, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा हुआ है काम, खाली अभी थोड़ा साफ सफाई बची है, देखते हैं। हाँ आसमा निकाल दे साइड से यार, ये हो गया इधर भी प्लास्टर, हाँ निकाल लो ना उससे, निकालो ना चलेगा ना, निकालो निकाल दो, बाद में अपन पोछा वगैरह वापस से झाड़ू अच्छे से मार ही देंगे, तुम्हारी चप्पल अंदर साइड में ले लो ये वाली, हाँ बाहर निकाल के छोड़ दो, वैसे मैं करवा देता हूँ, सैंडल होगी तुम्हारी, अंदर मैंने ली हूँ, ये देखो बस बस सफाई बची है, चलो मैं कर देते इधर करवा देता हूँ, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, रिटर्न अंदर जाएगी ले तो मट्टी, मतलब नहीं
हाँ मैं बोल देता हूँ, वो कर देता हूँ थोड़ा फिर से यहाँ धूल मिट्टी गिरा। कितने टाइम में फिर आने का मसाला तुम्हारे को? एकदम हद से ज्यादा गंदा हो गया रे किचन। अभी नीचे गया था खाना लेने के लिए, मैं ये बता रहा था, मैं नीचे गया था खाना लेने के लिए। अभी देखो चार बज रहा होगा, मैं नीचे गया खाना लेने, चार माला उतर के नीचे गया स्टेशन की तरफ गया। मैं सोचा वहां से फ्राइड राइस लेकर आऊंगा, तो वहाँ फ्राइड राइस लेने में जब गया मेरे मोबाइल में चार्जिंग थी 13% कुछ थी। उसके बाद जाने के बाद मैं सोचा चलो भाई जीपे तो हो जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा ना तो स्कैन किया तो स्कैन ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो मोबाइल में बहुत है, स्कैन ही नहीं हो रहा। और स्कैन नहीं होने के बाद ये क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी नेट बंद कर रहा हूँ चालू कर रहा हूँ, नेट बंद कर रहा हूँ चालू कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देखा अरे बैलेंस ही मेरा रिचार्ज आज खत्म होने वाला था, रिचार्ज ही पूरा खत्म हो गया। अब मैं बोला चलो आसमा को आज फोन कर दूं कि मेरा रिचार्ज कर दे, या फिर एक काम कर स्कैनर भेज रहा हूँ तू पे कर दे, मेरे से पे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म है। तो अब जब रिचार्ज खत्म होगा तो कॉल भी नहीं लगेगा, तो मैं आ गया वापस। तो अब देखो ये घर में मसूर पुलाव बना रही है अभी मेरी बीवी का, ये वो मसूर पुलाव बना ले रही है अभी खड़े खड़े। अभी क्या करे, अभी चार बज रहा है अचानक से। अब मैं उसको ऐसा कुछ नहीं, मैं चले भी जाता वापस से आकर, लेकिन चार माला उतर के जाओ आओ और भी आगे स्टेशन की तरफ मिलता है वो चाइनीज, जहाँ से हम लोग चाइनीज खाते हैं। तुम्हारा हो गया तो जरा चले जाओ ना, तुम जानो उधर चावल डाल लो और चले जाओ। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट रुक जाओ ना, यहाँ से पूरा करने का मैं बता रहा, दो मिनट रुक जाओ, वो चले जाएगी वहाँ से, हाँ वो आ करके चले जाएगी, फिर चले जाना। ये दरवाजे दोनों बंद कर दो आसमा, वापस से धूल अंदर नहीं जाए, फिर शाम में मैं तुमको निकाल के वो मार के देता हूँ। पूरा प्लास्टर हो गया है देखो, सब तरफ से भी कुछ बचा नहीं है, सामान बीच में इसलिए रखा हूँ ताकि पानी मारेगा इधर पर। ये दीवार बोलती है पानी पिलाने का मेरे को, है ना, वो खाना नहीं खाती पानी पीती है ना चाचा, दीवार पानी पीती है, पानी उसका खाना है। ये देखो यहाँ का भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कलर में जाएगा ना, ये सब तो कलर का काम है ना, कलर में जाएगा ना, टेंशन नहीं ना। ये भी उधर का भी कर लिया हो गया, एक मिनट मुख्तार भाई निकलू मैं, वो तुम इधर संभाल लो, बाकी का तो हम लोग वैसे भी मारेंगे, और टेंशन नहीं, पूरा खिल गया। आसमा का पुलाव बन रहा है, आसमा सीटी हो रही है, आसमा उठो सीटी हो रही है, हाँ सिटी हो रही है। ये देखो इधर का भी पूरा हो गया, ये सामान इधर आ गया है, छोटे वाले से बड़े वाले में सामान आ गया। देखो अब दुआ करो मेरे कलर का काम हो जाए, मेरी लाइटें सब वापस रही है, अपना इलेक्ट्रिशियन का भी काम अभी पूरे घर में बचा है सब, ये जो जितना भी देखो ये सब है। ये हो गया छोटा वाला बेडरूम, तो दिखाया नहीं ना मैंने, ये देखिए छोटा सा बेडरूम मेरा प्यारा सा, ये बेडरूम मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें ज़्यादा सामान नहीं डालूंगा मैं, जितना भंगार है सब हटा दूंगा। उसका पूरा प्लास्टर तोड़म तड़ी करके कर चुके हैं, जहाँ जहाँ डिफेक्ट था ये हो गया पूरा प्लास्टर हो गया। अब कलर में जाएगा, हो जाएगा कलर, धूल धूल मिट्टी मिट्टी सब तरफ हो गई। पप्पा का फोन आ रहा है, आसमा के पप्पा कॉल कर रहे थे, बात करता हूँ मैं थोड़ी देर में गाइस। पप्पा फोन कर रहे हैं, अरे पप्पा के नाम बीच में फोन आ गया था आसमा के पप्पा का। कहाँ जा रहे हो लोग? राजकोट जा रहे हैं। इधर राजकोट, 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 राजकोट चले मेरे मम्मी पप्पा। वहाँ कौन है तेरा जन? खानदान है पूरा। पप्पा का मम्मी का? पप्पा का। अच्छा ये देखो हो गया पूरा काम, बापू है, बापू, बापू का नाम था। इसमें तो सामान आ गया, इसका तो प्लास्टर हो गया था ना कल, दिखाया था मैंने, सामान आ गया इसमें। अभी आसमा खाना इधर लगा देना, इधर भी प्लास्टर हो गया, सब हो गया क्लीन। ये लोगों ने झाड़ू मार दी, अभी पानी मारेंगे ऊपर, पानी मारेंगे अभी इस पर प्लास्टर पे, पानी मारेंगे सब दीवारों पर, फिर नीचे जो पानी गिरेगा
पोछा भी मार देंगे, झाड़ू पे मार दिए, हो जाएगा फिर उनका काम। उनको ये भी बताया मैंने, ये भी बताया हूँ, ये जो है ना ये भी कलर का काम होगा ना तो पियो समझी, उस पर वो जाएगा, वो करवा देगा, ये कलर वाला आएगा ना उससे ये हो जाएगा टेंशन। ये क्लीन हो गया पूरा माशाल्लाह। अरे चाचा क्या ऐसा पानी मार रहे हो, ऐसा मारोगे चलेगा ऐसा पानी? हाँ बोला चाचा कलर कर रहे, ये सब हो गया। अंदर भी पानी मारना है क्या? सब बोलो तो इधर भी मारोगे ना, सब सब हो जाएगा। चलो ठीक है आसमा, अब पानी मार देने दो उन लोग को, फिर अपन खाना खाने बैठेंगे, है ना? खाना रेडी हो गया ना? चलो चलो गाइस, तो ये पानी और पोछा करा देते हैं और उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठते हैं। ये हमारे 5 दिन पूरा इसमें हुआ है खाली प्लास्टर में, अब देखो 2 दिन और पानी हम लोग को मारना है उसके बाद में। हाँ 2 दिन तक पानी मारना है अभी खाली, पूरे उसमें पानी मार के दीवार पानी पीती है, पानी मारना है। फिर 2 दिन बाद कलर का इंशाल्लाह काम शुरू होगा, तो वो भी कम से कम 3 दिन का रहेगा, 5 दिन आएगा, 10-12-15 दिन का काम था बोला, जो हो जाएगा इंशाल्लाह एक बार तो आराम हो जाएगा। अभी इसमें से क्या भंगार निकालना है आसमा को, आसमा निकालेगी फेंकेगी, कचरा निकालना फेंकेगी, काम की चीज़ें रखो ठीक है। मेरे को अभी इधर पे ना बड़े वाले बेडरूम में ना इधर पे 2 बेड डाल दूंगा, तीन हाँ, एक छोटे में और एक बड़ा, तीन, एक हॉल में छोटा सिंगल वाला, एक इधर छोटा सिंगल वाला और इधर डबल डालेंगे, डबल बेड डालेंगे इधर, 3 बेड, एक डबल बेड और अपना क्या बोलते हैं एक या सिंगल और एक हॉल में सिंगल, 3 बेड डाल देंगे बराबर, 2 नहीं 3। यहाँ पे डबल डाल लो जान, अच्छा कोने साइड में, कोने साइड में डबल डाल लेना इंशाल्लाह। दुआ करो मैं ले आऊँ, मैं आसमा को बोला हूँ, आसमा को मैंने क्या बोला था पिछली वीडियो में 4 बेड लाओ, मैं सोचा था यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल और हॉल में 2 सिंगल, लेकिन नहीं हॉल में एक ही डालेंगे, कबाड वगैरह भी अपना शोकेस वगैरह भी वहाँ जाएगा, तो हॉल बहुत छोटा हो जाएगा, दिख के मालूम बहुत छोटा दिखेगा हॉल, पूरा सामान वहाँ चला जाएगा समझे जान। कचुम्बर बना रहे हो, चाहे पापड़ भी तल लो, भूख बहुत लग रही सुबह से हम लोग, कुछ आज तो कुछ ज़्यादा नाश्ता नहीं हुआ है, समोसा पाव खाए है और कड़क पाव और चाय पाव सुबह में जो 9:30 बजे खाए थे, बस अभी बज रहा है 4:00 गया, 4:30-5 बज रहा है, कुछ भी नहीं खाया हम। चलो जान, चलो मैं उनको बोल देता पहले ये बाथरूम का पानी का कर दो ताकि हम लोग यहाँ खाने को बैठे ठीक है। अच्छा कुछ बोलना चाहोगे क्या? तुमको क्या मजाक लग रहा है? चाचा देखो बहुत बढ़िया काम करते हैं हमारे, बहुत अच्छे मिस्त्री, अपना गांव में भी बनाते हो नाला सोपारा में। ये चाचा को देखो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ये मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह आप लोग बताना। 5 दिन में पूरा काम हमारा खत्म कर दिया, उनका नंबर है अपने पास है ना? हाँ, ये जो लग रहा होगा आप लोगों को काम कुछ नहीं, ये बहुत काम हो गया है, अब कलर का काम दूसरे बंदे का, कलर के लिए दूसरे बंदे आएंगे ना चाचा। खाली वायरिंग संभालो, अभी मेरे को शौक लगा था, आप बोलना भूल गया, मेरे को ऐसा जोर में शौक लगाना, अभी ने 2 घंटा हो गया वो बताना भूल गया। वो हॉल के उसमें ना, हॉल में पानी मारे थे ना, जब मैं बोर्ड को चालू किया, एक लाइट बीच की लाइट चालू कर दिया, कपक करके वो शॉर्ट मतलब बाप रे बाप, ये भाग के इधर आ गई, किल्ला भी था पूरा, नहीं भागती तो भी मैं लात मार के भगाता उसको, थोड़ी रुकाता। गाइस आप लोगों को पूछता हूँ सच सच बताना, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। चाचा हमारे देख लो पूरा ऊपर से नीचे, चाचा हमको बोलते हैं मेरी उम्र जो बता रहे, तुम लोगों को कितनी उम्र लग रही होगी, चाचा की कितनी उम्र लगती है बता देना कमेंट में। लेकिन चाचा कितना है तुम्हारा? 74 यानी 74 उम्र है, माशाल्लाह 74 उम्र है चाचा की, 6 बच्चों की शादी 40 साल से नाला सोपारा में है चाचा। 74 बोले तो कितना हुआ चाचा? मेरे से डबल उम्र के आसपास है, मेरे पापा की उम्र के, आसमा के पापा की उम्र के, अरे अब्बा इसलिए बोलते कभी भी सिंगल तस्वीर है, काफी दुबले पतले 8 किलो, ये मोटी के साथ रहने के महिला मेरा भी पेट पेट बाहर आ गया है। ऐसे इसको भी बोलता हूँ जरा गाइस आप लोग सब जाना आसमा को, जरा डाइटिंग करो आपा, आपा जरा डाइट करो, बहुत समझाता हूँ थोड़ा, चल मेरे साथ गाँव में, नहीं बिकता तो गाँव पी जाते।
चलो खाना खा लेते हैं। बाकी चाचा माशाल्लाह एक नंबर यार, काम चालू है या हम लोग खाना खाने बैठे हैं। देखो पैसा बैठे नहीं अभी खाना खाने के लिए। दस्तर हो गया? दस्तर नहीं हम लोग के पास, दस्तर हमारे दोनों खराब हो चुके हैं। यहाँ तक मेरे तकिए पूरे खराब हो चुके हैं, वो तकिए फेंकना है हम लोगों को। दो दिन और वो तकिए यूज करना है बस, ये पानी वानी मारने तक और कलर होने तक दो चार दिन की बात है। फिर नए नए तकिए लेना, नए तकिए लेना पड़ेगा। सब एकदम धूल मिट्टी से मेरा बहुत सामान खराब हुआ है। अब तो एक मिक्सर लगा के देखोगे तब पता चलेगा तुम्हारे को। दो बेडरूम का घर है मेरा, एक हॉल दो बेडरूम किचन, मतलब माशाल्लाह अच्छा फ्लैट है। लेकिन इतने बड़े उसमें भी एडजस्ट हम लोग सोचते ना, हम लोग सोचते कि एक जगह का काम कराएंगे, एक में रहेंगे, फिर ये करके उसमें रहेंगे। नहीं होता है, नहीं होता है, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। फिर हम लोग ने बहुत कोशिश, मैं खुद घर में रुका, काम करने की छुट्टी करके 10 दिन ईद के बाद से समझ लो मैं गया ही नहीं मेरी दुकान पर। तब से मैं खुद रुका हुआ हूँ, खुद मैं देख रहा हूँ, नहीं हो पाता है। अभी आप लोग को देखा था हम लोग खाना खाने कैसा बैठे। अभी इसमें ऐसा नहीं सोचना कैसी गंदगी में बैठे, हमारे पूरे दस्तर खराब हो गए हैं। और ये भी जो झाड़ू मारे हैं अभी, ये पानी वानी मारना भी है, और ये पोछे निशान है पूरा पानी के पोछे का। ये अभी कारीगर अलग तरीके से करते हैं, अभी वो तरीका अपना अलग होता है। लेकिन हम लोग को बहुत भूख लग रही है। मैंने आसमा को बोला कुछ मत ढूंढ, पहले खाना लगा दे। देखो आसमा ने बनाई है मसूर पुलाव खड़े खड़े। मेरी बीवी ने आधे घंटे के अंदर, कितना टाइम लगा, 20-25 मिनट में देखो मसूर पुलाव बना दिए। मेरे लिए पापड़ भी तल दिए, क्यों मेरे को साइड में कुछ लगता है, कचुम्बर भी बना दिए। तो हम लोग खा लेते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। बाहर से भी पानी मार रहे हैं वो लोग, फिर पोछा बराबर मारेंगे, पोछा ओछा मार के जाएंगे भाई लोग, पोछा ओछा लगा के जाएंगे और भाई लोग पोछा लगा के जाएंगे। फिर आसमा और मैं भी आधा घंटा बैठ के इंशाल्लाह हम लोग भी उठ के फिर वापस से एक बार झाड़ू वापस से पोछा कर देंगे। आज रात को हम लोग ये बेडरूम में सोएंगे। ये बाजू में सामान चला गया है ना जन। ये वहाँ ये लाइट दिखा रहा था मैं, ये लाइट भी सब तरफ की मेरी लाइटें निकल गई है। हॉल की लाइट तो निकाल के रख दी है वो लोगों ने, निकाल दिया। वो चालू भी होगी नहीं होगी पता नहीं। अभी ये देखो ये सब अभी, यानी कलर के अलावा, कलर के बाद में, कलर से पहले नहीं कर सकते ना इलेक्ट्रिशियन का काम भी। कलर होगा उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो गाइस हो गए हैं रेडी हम। कैसा लग रहा हूँ मैं आसमा? बहुत अच्छा। मैं तो देखो इसको, तो देखो इधर को पानी नहीं, पानी खत्म हो गया पूरा। बेचारे कपड़े लगाई है अभी, देखो मशीन में वहाँ की लाइट निकाल के मेरा हॉल की गया है। कल बराबर से लाइट लगवाता हूँ। काम पूरा हो गया गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम हो चुका है। अभी सिर्फ मेरा कलर बचा है और सिर्फ ये लाइटिंग का बचा है। पूरा काम हो गया माशाल्लाह, देखो मेरी मूर्ति सब हो गया माशाल्लाह। देखो आसमान ने मशीन भी लगा दी है अभी। ये हमारे कपड़े पूरे 5 दिन से पूरे कपड़े मेरे घर में एक जोड़ी कपड़ा नहीं धुला है। दिन में 2 जोड़ी कपड़े मेरे चेंज हो रहे हैं। ये मेरे छोटे बेडरूम से भी नाला सुखा रहा, देखो गरीबों का सहारा नाला सुखा रहा। शानू भाई का दुलारा नाला सुखा रहा। ये देखो वो बेडरूम में भी हो गया। अब जाके पूरा घर का काम हो गया गाइस। बहुत 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 परेशानी हो गई अपनी नाजों के मुँह दिख रहे थे बस। बहुत मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, तो कभी दिखाता आप लोग को। देखो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे के मामले में। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। तो अब आसमान कुछ बनना चाहे तो देखते हैं, दुआ की दरख्वास्त हुआ मैं यहाँ। सब कितनी परेशानी हो जाती है आसमान। नहीं बस मैं भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। आप लोग हमारा ब्लॉग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत थक गई हूँ मैं भी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। फिर अल्लाह हाफिज़। आप लोग को बहुत काम है क्योंकि सुबह में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।